तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, लास्ट जो क्लास हुई है हमारी मेडिकल वाली, उसमें हमने ये नहीं, सॉरी ये वाला, ओके लास्ट क्लास में एमओटी स्टार्ट किया था, और सिग्मा ऑर्बिटल्स तक आ गए थे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, देखो एक बार उसको देख लेते हैं जल्दी से। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, गॉट इट? कह लिखा है व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री कंबाइन। ये जो डेफिनेशन लिखी है, तो इसके अंदर क्या लिखा है, अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये जो जेड जिसको माना है, अगर इसके अलॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, मींस कॉम्बिनेशन होगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हम एमओटी पढ़ रहे हैं, तो इससे जो है सिग्मा बनेंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार। इसमें 1s 1s भी हो सकते हैं, 2s 2s भी हो सकते हैं, और पी का अगर होगा तो कौन सा पी होगा बोलो, पी जेड होगा। हाँ तो पी जेड होगा, जैसे 2p का है तो 2pz होगा, इधर भी 2pz, इससे भी क्या बनेंगे सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेंगे। जैसे ये 2pz है तो सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ये हमने पढ़ा था। स्टार वाले की एनर्जी नॉर्मल वाले की एनर्जी से ज्यादा होती है, ये भी हमने पढ़ा था, कारण लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। तो हमने सिग्मा देख लिया, अब हमारे पास 2pz के बाद बनेगा 2px, उस पे आते हैं हम लोग। Got it? तो यहाँ पे देखेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो नोट्स मैंने शेयर किए हैं, वो तुमको मिल जाएंगे, उसके अंदर जो आगे नोट्स आएंगे वो भी उसमें मिलेंगे, तो नोट्स उसमें ही अपलोड करूंगा 11th मेडिकल के फोल्डर में, और उस गिवन फोल्डर में ही तुमको क्या करना है, नोट्स अपने देख लेने अगर छूट गए। तो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होंगे ये कब बनेंगे, जब कॉम्बिनेशन कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स तो लिखेंगे व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, सेम एनर्जी है ना हैविंग, और उनका शेप और ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। तो लिखेंगे उनका ओरिएंटेशन एंड शेप में सिमेट्री भी सेम होना चाहिए, सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री कंबाइन विद ईच अदर, देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, वन इज बॉन्डिंग एंड अदर इज एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनते हैं, एक पाई बनता है और एक पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टार यूज करेंगे वर्ड। तो पीएमओ जो बना है
उसको डिनोट कैसे करते हैं, पाई से। और जो ए बी एमओ बना है उसको डिनोट कर से करते हैं पाई स्टार से, ये याद रखें। पाई वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला उसके कंपैरेटिव में वेरी लेस स्टेबल होगा, एक्चुअल में अनस्टेबल होगा। तो जय बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो जय, आई थिंक 15 मिनट्स हो गए हैं टाइम के हिसाब से, और एक्चुअल क्लास स्टार्ट हुए भी 10 मिनट, 8-10 मिनट हो गए हैं, तो बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो जय, क्या बात है जय, ये क्या हो गया, बैटरी कम है 1 मिनट रुको, जब तक नोट कर लो। ओके यस बोलो स्टूडेंट, व्हाट आर द डाउट। ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना जो पढ़ाया है मैंने। पाई बीएमओ और पाई एबीएमओ बन चुके हैं, देखना सबसे पहले बताओ 2px और 2py दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। तो पहला जो हम देखेंगे वो आएगा 2px और 2px मिलेंगे, 2px 2px मिलेंगे तो परपेंडिकुलर होगा ना, क्या लिख दिया है मैंने, विद ईच अदर। ओके यहाँ पे छूट गया ना, तो इसमें ऐड कर लो ईच अदर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है ये वर्ड यूज करो। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री कंबाइन विद ईच अदर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, देन के बाद ये ऐड करना है, ये तो बॉक्स में कर दे रहा हूं। देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, वन इज बॉन्डिंग एंड द अदर इज एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हमें ये ऐड करना है ईच अदर के बाद, कंबाइन विद ईच अदर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो 2px 2px को मिलाएंगे बच्चों तो क्या बनेगा बताओ, 2px 2px को जब मिलाओगे तो एक तो बनेगा BMO और एक बनेगा ABMO। चलो
एनर्जी के अकॉर्डिंग ए बी एमओ को ऊपर लिख लेते हैं, तो बी एमओ में बनेगा सिग्मा टू पी एक्स या पाई, बोलो बोलो बच्चों। भाई ये तो परपेंडिकुलर है ना जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस हमारी ये है, ये मान लो ये न्यूक्लियस वन है, ये न्यूक्लियस टू है। अब जेड जो है वो ये वाली एक्सिस है, तो यहां पे ऐसे कॉम्बिनेशन होगा, इनका एडिशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा प्लस माइनस तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग की बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। और अगर अपोजिट फेज में होगा तो क्या बनेगा, बोलो एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग वाला कैसे बनता है, मैं तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने जेड एक्सिस ये ले ली है और एक्स एक्सिस ये ले ली है। जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और मॉलिकुलर एक्सिस, तो ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है तुम्हें। तो ये जब जेड एक्सिस के अलोंग बीएमओ बनाएगा तो क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन करके इस तरीके का एक ऑर्बिटल बनाएंगे, इस तरीके का एक ऑर्बिटल, इस पे प्लस और इस पे माइनस। ये इसका नाम है पाई टू पी एक्स, क्या नाम है इसका, पाई टू पी एक्स। इसमें ये जो प्लेन आ रहा है ये कैसा प्लेन है, नोडल प्लेन। ये जो प्लेन आएगा इसके परपेंडिकुलर वाला, दिस वन इज द नोडल प्लेन। बताओ इसका नाम क्या होगा, कोई बताना चाहेगा इसका नाम क्या होगा नोडल प्लेन का, जबकि हमारे पास ये जो एक्सिस है ये जेड है और ऊपर वाली एक्सिस वाई है, एक्स है सॉरी। तो अंदर वाली एक्सिस जाहिर सी बात कौन सी हो जाएगी, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन निकल के आ रहा है ये वाई जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। कितने लोगों को समझ में आया, जो हम मैथ में एक्स वाई जेड पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं, यहाँ पे जो देखा है वो जेड इधर है और हमने एक्स ये ले लिया, तो जाहिर सी बात है ये वाली एक्सिस वाई बन जाएगी। तो ये जो एक्सिस हमारी है इसमें और ये प्लेन पे आ रहा है ना, ऐसे यहाँ पे ऊपर और नीचे हैं लोब्स इसके, तो जो नोडल प्लेन होगा वो कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन। तो ये हमारा क्या बन रहा था, सिग्मा सॉरी पाई टू पी एक्स बी एम ओ वाला, तो इसमें स्टार नहीं लगेगा। पाई स्टार वाले में क्या होगा, सिग्मा वाले में ऐसे हुआ है देखो कॉम्बिनेशन, सॉरी पाई वाले में मतलब बॉन्डिंग पाई में, पाई बीएमओ जो बना है उसमें क्या हुआ है, ये प्लस प्लस से मिला है और माइनस माइनस से। तो एलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, परपेंडिकुलर हुआ है। देखो ये एक्सिस के कैसा है ऑर्बिटल, परपेंडिकुलर, और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया है इसलिए ये कैसा है, बॉन्डिंग है। बट चूंकि परपेंडिकुलर तो एक्सिस है इसलिए बीएमओ है, पाई बीएमओ को हम लोग सिर्फ क्या लिख देते हैं, पाई और जो ऑर्बिटल का नाम है साथ में वो। लेकिन देखो बच्चों जब एंटी बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, आउट फेज कॉम्बिनेशन होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये इस जेड एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो पाई तो बनेगा लेकिन यहाँ पे ए बी एम ओ बनेगा क्योंकि आउट फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है, प्लस वाला माइनस से मिल रहा है, देख रहे हो कि नहीं। और ऐसा जब होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से अवे हो जाएगा, कल ही सिखाया था ए बी एम ओ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से कहाँ हो जाता है, अवे। ये एक दूसरे से गुस्सा हो जाएंगे और ये दूर दूर हो जाएंगे बच्चों, बिकॉज इनके अंदर जो है जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आउट फेज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, बीच में देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर चला गया, दूर दूर। इसके अंदर क्या बनेगा, पाई स्टार और आगे बोलो टू पी एक्स। तो ये पाई टू पी एक्स और ये पाई स्टार टू पी एक्स, बोलो कोई डाउट। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा होगा दिखने में, ऐसा कुछ होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्या नाम होगा इसका, बताओ इस दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है, पाई स्टार टू पी एक्स या पाई टू पी एक्स। पाई स्टार टू पी हाँ, और कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पाई टू पी एक्स। लेकिन बताओ सिग्मा टू पी जेड और पाई टू पी एक्स में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सिग्मा वाला है ना, क्योंकि
क्योंकि सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होता है, अलोंग द एक्सिस कॉम्बिनेशन होता है। तो याद रखें जैसे 2px 2px बना है वैसे ही कौन सा वाला बनेगा, 2py 2py सिमिलर, क्योंकि 2py 2py जो होगा वो भी z एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसमें भी जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, लेस कॉम्बिनेशन होगा, साइड बाय साइड ऑर्बिटल्स को मिक्स होना पड़ेगा, और वहां पे भी पाई 2py और पाई स्टार 2py बनते हैं। तो इसमें कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से पूछो, बिकॉज ये बहुत इजी है और बिल्कुल ऐसे ही हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किया था, सिमिलर है उसके थोड़ा। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होती है एटम्स के बीच, यहाँ पे कॉम्बिनेशन से बन रहा है। बताओ नोडल प्लेन इसमें आ रहा है कि नहीं, यहाँ बीच में भी एक नोडल प्लेन आएगा क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे और एक नोडल प्लेन ये वाला तो है ही, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसमें दो नोडल प्लेन तुमको मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें सामने में ही ये वाला एक नोडल प्लेन मिल रहा है अंदर की तरफ जो है, ये वाला, दिस वन इज द नोडल प्लेन। इस पे इलेक्ट्रॉन्स पाई के नहीं मिलेंगे, दिस इज द नोडल प्लेन फॉर द पाई 2px इलेक्ट्रॉन्स। पाई 2px इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेन पे मिलने वाले नहीं है, वाई जेड प्लेन पे। सिमिलरली यहाँ पाई स्टार 2px का नोडल प्लेन जो है वो एक तो ये अंदर का प्लेन हो जाएगा है ना, जो यहाँ से पास होगा, और एक प्लेन ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ से बीच से पास हो रहा है ना, ये अंदर से जा रहा है, इसके इनवर्ड आउटवर्ड जो है प्लेन है, ये दो प्लेन हो जाएंगे। तो अगर इनका नाम लिखना है तो इनका भी नाम लिख सकते हो तुम। तो अगर मेरी एक्सिस ये जो ऊपर नीचे वाली है ये एक्स एक्सिस है और ये जेड है, तो मुझे दिख रहा है जो अंदर एक्सिस जा रही है वो वाई है, तो ये प्लेन तो इसमें भी वाई जेड रहेगा, ठीक है। और जो ये वाला प्लेन है, ये वाला, ये जो प्लेन है ये एक तो परपेंडिकुलर है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, और इनवर्ड है। तो अगर इनवर्ड होता है तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है बताओ, वाई। तो ये एक्स वाई प्लेन भी हो जाएगा, ये वाई किधर है, अंदर की तरफ, और एक्स किधर है, ऊपर की तरफ। तो एक्स वाई प्लेन भी आ जा रहा है किसके अंदर, जब एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, ए बी एम ओ बन रहा है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करके हम समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन कहीं पे अगर डाउट आ रहा है तो उसको बिल्कुल तुम्हें पूछ लेना है। अभी जल्दी से बताओ कहीं पे डाउट है इसमें नोडल प्लेन देखने में, ये एक्सिस यहाँ पे लिखी हुई है, इनके थ्रू देखना है। वेरी गुड, नो डाउट, आगे बढ़े। चलो नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, नोडल प्लेन समझा ना, नोडल प्लेन भी समझा है, और पाई 2px पाई स्टार 2px ये इधर भाग क्यों गया ये भी समझा है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से दूर जा रहा है, किसमें, ए बी एम ओ में। बी एम ओ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बीच में बढ़ जाता है। देखो बढ़ रहा है कि नहीं, ये न्यूक्लियाई है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन होगा पाई का, वो किसका होगा, 2py ऑर्बिटल और 2py का। तो यहाँ पे एक्सिस जाहिर सी बात उसकी एक्स के भी परपेंडिकुलर होगी, इनवर्ड होगी यहाँ के हिसाब से, जो अभी ऊपर पड़ा है, बट इसको फिर से हम लोग z एक्सिस के परपेंडिकुलर ही मान लेंगे है ना, फिर से इसको हम इस बार ये वाला वाई ले लेंगे, सिमिलर है बिल्कुल, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराएंगे है ना, इनका हम लोग क्या करा रहे हैं, कॉम्बिनेशन। इसमें भी कॉम्बिनेशन दो तरीके से होगा, इसमें भी कॉम्बिनेशन दो तरीके से होगा, या तो इन फेज कॉम्बिनेशन होगा या आउट फेज होगा। इन फेज में बी एम ओ बनेगा, आउट फेज में ए बी एम ओ बनेगा। यहाँ इन फेज कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन, और यहाँ आउट फेज कॉम्बिनेशन होगा। तो बीएमओ में क्या बनेगा, ये जो एक्सिस है ये वाली, तो बीएमओ जब बनेगा तो फिर कैसा बनेगा, दिखने में ऐसे ही रहेगा। ये साइन जो है प्लस माइनस का, ये सिर्फ फेज को बता रहा है, एक फेज जो है अगर प्लस से दिखा रहे हैं तो दूसरे जो नीचे लोब है उसका फेज उसका अपोजिट है।
अच्छा इसके अंदर देख रहे हो तो ये हमारी जेड एक्सिस है, और ये जो बन रहा है ये पाई टू पी बाय बन रहा है, और ऊपर देखेंगे अगर तो इस तरीके का बनेगा, ये अगर प्लस ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस है, ये पाई स्टार टू पी वाई बन जाएगा। हाँ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं डी ऑर्बिटल और उसका और हमारे क्लास एक सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन जब हम देखेंगे तो वो यहीं तक खत्म हो जाते हैं, सिग्मा टू पी जेड तक, दैट इज पाई टू पी वाई और पाई स्टार टू पी वाई तक आते आते हमारे सिलेबस के सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं। वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि डी का भी हमें करना पड़े, तो ये बहुत अच्छी बात है। नाउ पाई स्टार टू पी वाई में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बच्चों, बताओ? पाई स्टार वाले की ही ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा है। अच्छा बताओ पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में सिमिलरिटी है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं? तो ये यस कहते हैं डीजनरेट, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम जैसी पहले थी वैसी बाद में है। और पाई स्टार टू पी वाई की जो एनर्जी होती है वो भी पाई टू पी एक्स वाले स्टार वाले की, पाई टू पी वाई स्टार वाले की एनर्जी के बराबर होती है। ये दोनों भी कैसे होते हैं, डीजनरेट। डीजनरेट मीन्स विच हैव सिमिलर एनर्जी, है ना, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम सेम लिखो, विच हैव सेम एनर्जी, गॉट इट? तो ये हमें याद रखना है। तो पाई टू पी एक्स वाले की एनर्जी पाई टू पी वाई वाले के बराबर होगी, क्योंकि सेम तरीके का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अच्छा तुम्हें पहले से पता है टू पी एक्स और टू पी वाई की एनर्जी जब ये प्योर ऑर्बिटल थे एटम के तब भी बराबर थी, है ना, तो यहाँ से जब वो पाई में चेंज होगा तो बीएमओ वाले की एनर्जी आपस में बराबर होगी, ए बी एम वाले की एनर्जी आपस में बराबर होगी। बीएमओ की एनर्जी कम है, ए बी एमओ की एनर्जी ज़्यादा है, ये एरो इसके लिए बनाया गया है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एनर्जी दिखा रहा है। तो हमने देखा जैसे पाई टू पी एक्स बना था सिमिलरली वैसे ही पाई टू पी वाई बना। तो अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा लिखना है डायरेक्टली विदाउट फिगर वगैरह बनाए, तो शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई बनेगा क्योंकि जेड एक्सिस जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और इसको हम बना देंगे स्टार क्योंकि ये एबीएमओ है। यहाँ पे पाई बनेगा लेकिन ये सिंपल होगा, इसमें स्टार नहीं लगाना, तो ये एबीएमओ का बना है और नीचे वाला बीएमओ का बनाया है। ऐसा एक कॉम्बिनेशन याद रखना है कि पाई जब बनता है तो उसके साथ पाई स्टार बनता है, सिग्मा जब बनता है तो उसके साथ सिग्मा स्टार बनता है। ये ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। अब हमें याद है जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था एमओटी, तो हमने लिखा था उसके अंदर कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, तो उसमें अफबाओ प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलीज रूल ये तीनों काम करेंगे। तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तीनों रूल्स तुम्हें पहले से आते हैं। सीधे मैं तुमको तरीका बताता हूँ कैसे याद रखना है, और वैसे याद करना है एंड डायरेक्टली उसको अप्लाई भी करना है। ट्राई करें, चलो अगर ये नोट हो गया है तो हम लिख देंगे। राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे सिलेबस में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, डाई एटॉमिक एंड हैविंग इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 20 यूजिंग एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो सबसे पहले एनर्जी का जो है ट्रेंड देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है? एनर्जी का ऑर्डर क्या है ऑर्बिटल्स का, दो ऑर्डर है। पहला ऑर्डर है फॉर मॉलिक्यूल्स या आयंस डायटोमिक होने चाहिए, हैविंग इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14, जिनके अंदर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 है, HE2 है ना, P2 है, C2 है, N2 है, एट्सेट्रा। इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं तो बताओ सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा आएगा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है ना?
बताओ। बोलो सबसे एनर्जी लोवेस्ट किसकी होगी भाई? जो पहला ऑर्बिटल बनाया था सिग्मा वन एस, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सिग्मा वन एस टू पूरा फिल कर देना है, दोनों इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, ठीक है? या अभी टू वन नहीं लिखो, उसमें पता है दो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं, या सभी अभी सबको लिखने का मौका मिलेगा, नो प्रॉब्लम। पहले थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, उसके बाद में एनर्जी आती है सिग्मा स्टार वन एस की, ये भूल तो नहीं गया, मैंने बोला था रिवाइज करके आना है। सिग्मा टू एस बनेगा, उसके बाद एनर्जी आएगी सिग्मा स्टार टू एस की। यहाँ तक का कॉम्बिनेशन कभी चेंज नहीं होगा, है ना? ये हमेशा ऐसे ही याद रहना है तुम्हें। इसके बाद में अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा स्टार टू एस के बाद में जो आता है ऑर्बिटल वो है पाई टू पी एक्स, और उसके साथ डिजेनरेट होता है पाई टू पी वाई। इसके बाद में आता है सिग्मा टू पी जेड, और इसके बाद में मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो तुम्हारे पीडीएफ में नहीं आएगा, ये हटा देता हूँ लाइन, बाद में देखेंगे। सिग्मा टू पी जेड के बाद में जो है आएगा पाई स्टार टू पी एक्स, देन आएगा पाई स्टार टू पी वाई, और सबसे लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये एनर्जी ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर भी लिखा है, फिर से लिख दे रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू 14। इनके लिए ये कॉम्बिनेशन है, प्रैक्टिकली ये जो है प्रूव्ड है कि जब भी हम लोग इनके अंदर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए सबसे कम एनर्जी सिग्मा वन एस की होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार वन एस की होती है, देन सिग्मा टू एस, देन सिग्मा स्टार टू एस, फिर पाई टू पी एक्स, फिर पाई टू पी वाई। देखो ये जो एनर्जी है डिजनरेट है, ये जहाँ बराबर लगा हुआ इक्वल टू, इसका मतलब इनमें हंड शुरू लगेगा, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर दो दो जाएंगे, मतलब अगर तुम्हें भरना है तो दो इसमें पहले जाएंगे, फिर दो इसमें, फिर दो इसमें, फिर दो इसमें, बट इसमें पहले बन जाएगा फिर इसमें बन जाएगा, देन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो किसी एक में दूसरा जाएगा, फिर अगर एक्स्ट्रा है तो फिर दूसरा जाएगा, दिस इज हंड शुरू। फिर आगे टू पी जेड में जाएंगे, एक जाएगा फिर दो जाएगा, फिर इसमें सिंगल सिंगल पहले जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो दो दो जाएंगे, फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड में दो जाएंगे। तो ये है तरीका। देखो अगर तुम जोड़ोगे तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, ऐसे करके लिखें, बट चूंकि ये हमें 14 तक ही लिखना है तो जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा कहाँ तक काम आएगा सिर्फ बताओ, आठ चार बारह और दो चौदह, यहीं तक, इसके आगे का यहाँ पे काम ही नहीं आएगा, तो तुम सिर्फ यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ 14 तक लिखना है ना, तो यहीं तक कंप्लीट हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं तक हो गए ना। तो ये तरीका, अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर चलो सिग्मा टू पी जेड पहले क्यों नहीं भरा, क्योंकि जब हमने देखा था तो टू पी एक्स, टू पी वाई और टू पी जेड की एनर्जी तो पहले सेम होती थी, जब वो टू पी और सब शेल में होते हैं किसी एटम के। अब उससे जब हमने बनाए ऑर्बिटल्स तो दो बने, एक सिग्मा टू पी जेड वाले बने और एक पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई बने, उसमें ज़्यादा स्टेबल सिग्मा टू पी जेड है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है वो, लेकिन जब कार्बन या कार्बन से छोटे जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये सारे होते हैं जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम या उसके इक्वल वाले मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, और चूंकि इनका जेड इफेक्टिव कैसा होगा, कम, जिनके अंदर छोटे छोटे जैसे कार्बन या नाइट्रोजन रहेंगे लेस देन 14 और इक्वल टू 14 तक, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं पूरे मॉलिक्यूल में, उनमें एनर्जी गैप कम होता है, और प्रैक्टिकली ये डेटा है कि जो हमारे पास पाई टू पी एक्स है और पाई टू पी वाई है, इनकी एनर्जी सिग्मा टू पी जेड से कम हो जाती है। तो इसका कोई एक्चुअल प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें याद रखना है इसको कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है हमें, फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14। एक्चुअल रीजन इसका एसपी मिक्सिंग होता है, जो और भी कॉम्प्लेक्स तरीका है समझने का, वो सिलेबस में नहीं है। पहले एक बार हम लोग एमओटी पूरा पढ़ लेंगे,
क्वेश्चंस कर लेंगे इस पे याद करके, ये तरीके से ऐसे याद रखना है, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में जब तुम्हारा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं तो उसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेई एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है वो। ओके, मुझे लगा ये तो आराम देता है। व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं क्या इसके ऊपर? ठीक है, ये भी अच्छा कलर है। हाँ ये थोड़ा छोटा है, ये जल्दी लिखो। अच्छा नोट किया, चलो सर और थोड़ा ऊपर करेंगे। ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है। एक्चुअल में जितना पढ़ा है उससे सवाल कम आते हैं, ये जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है ये इम्पोर्टेंट है, सारे सवाल इन कॉन्फ़िगरेशन से आएंगे। हो गया, हाँ कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम याद कर लिया सबने? लिख के देखना एक बार, लिख के देखो, देखो फिर से। फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14, बताओ सबसे पहले क्या आएगा? बोलो, सिग्मा 1s2, उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s2, देन क्या आएगा? सिग्मा 2s2, देन क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s2, देन क्या आएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2pz2। यहाँ तक हमारे 14 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, हम इतना ही लिखेंगे, इसके आगे होता है बट उसकी जरूरत नहीं है। तो टिल 14 ये है, नंबर बी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर मॉलिक्यूल्स और आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स लेस देन वाला तो हो गया ना, ग्रेटर देन 14। ग्रेटर देन 14 का मतलब है 15 से स्टार्ट है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक, 20 इलेक्ट्रॉन तक अगर लिखना है तो हमारे पास रूल क्या है बताओ? वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या आएंगे देखो, जैसे O2 आ जाएगा, हाँ F2 आ जाएगा, O2+ आ जाएगा, O2- आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, F2 2- आ जाएगा, N2- आ जाएगा, एटसेट्रा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रेटर देन 14। अब बच्चों ध्यान रखना एक बात मेरे सामने जो मैं लिखने जा रहा हूँ, कॉन्फिगरेशन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन मोर देन 14। तो सिग्मा 1s, फिर क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या आएगा? सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, नो चेंज, अब चेंज आएगा। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px, देन आता है पाई 2py। अभी मैं तुमको बिल्कुल आसान करा दूंगा इसको, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा वेट कर लो। फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py, तुम्हें सामने लिखते जाना है जो मैंने नीचे लिखा है, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉम्बिनेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। अगर ग्रेटर देन एनर्जी के टर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें गलत बात नहीं है ना, ऐसे लिखते चलो, ऐसे आ जाएगा। तो ये एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर। तो सबसे पहले जो भरेगा वो कौन सा भरेगा? सिग्मा 1s2,
सिग्मा स्टार वन एस टू, देन सिग्मा टू एस टू, देन सिग्मा स्टार टू एस टू, देन सिग्मा टू पी जेड टू, देन पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई जो जनरेट टी जनरेट है, पहले एक एक जाएगा फिर दो दो जाएंगे। देन बच्चों पाई टू पी स्टार वाला जो एक्स है, पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी एक्स, इसमें भी दो दो जाएंगे। देन सबसे लास्ट में बच्चों जाएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड टू। अगर तुम ऐड करो तो सारे इलेक्ट्रॉन मिला के 20 ही होंगे, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो 16, 18 एंड 20, देर आर 20 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो मुझे। अब मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाता हूँ कहाँ पे हमने चेंज किया है ना, कहाँ पे चेंज आता है उसको बच्चों एक बार ध्यान से सुनना, सुनते जाओ पहले। यहाँ देखा, इसमें देखो, यहाँ पाई टू पी एक्स जो है और सिग्मा टू पी जेड है, इनमें स्वैप हो रहा है। इसमें सिग्मा टू पी जेड पहले भरा जा रहा है और पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई बाद में भरे जा रहे हैं। सिर्फ इतना चेंज है, इसके पहले का सेम है, इसके बाद का भी सेम है। तो क्योंकि यहाँ पे बाद वाले की जरूरत नहीं है, बिकॉज 14 इलेक्ट्रॉन हमारे यही तो हो गए, दो दो चार, दो छः, दो आठ, 8 to 10 to 12 एंड 12 to 14। यस यस गाइस, यस वेरी गुड। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो सिग्मा टू पी जेड है। मीन्स जैसे ही सिग्मा स्टार टू पी भरता है चेंज आना शुरू हो जाता है। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स तक कोई चेंज नहीं है। 8 के आगे अगर देखना है तुम्हें, अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पहले फिल होंगे। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पहले कौन सा फिल होगा बताओ? सिग्मा टू पी सिग्मा जेड। टू पी जेड हाँ, तो इसको जल्दी नोट करो, तो इस पे क्वेश्चंस कराएं फिर। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़े। अब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखता हूं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ N2 एंड O2 यूजिंग MOT। तो एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, आगे तुम लोग करोगे। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो 14 इलेक्ट्रॉन, 7 एक नाइट्रोजन में है तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये दो टू तो पता ही है जो लिखते थे उसमें, वैसे ही इसमें भी है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस में जो लिखते थे वाओ रूल से, वैसे ही अब बताओ क्या आएगा सिग्मा स्टार टू एस टू के बाद क्या आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सिर्फ पाई टू पी एक्स आएगा इक्वल टू टाइप पाई टू पी वाई। हाँ, तो पाई टू पी एक्स आएगा और पाई टू पी वाई। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? अगर हमारे पास सिर्फ 10 होते ना तो पहले एक इसमें जाता फिर एक इसमें जाता, सही बात है कि नहीं? लेकिन हमारे पास 10 से ज्यादा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। तो पहले जो है दो इसमें जाएंगे और दो इसमें जाएंगे, तो आप कितने हो गए टोटल बताओ? 10 प्लस 2 12, 12 हो गए। आप किस इसके बाद क्या आएगा? ये है कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। यस वेरी गुड वेरी गुड। कौन है ये? सही बताया तुमने बच्चे, आकाश क्या नाम है?
ठीक है, जो भी है इसमें दिख नहीं रहा है ना। ओके तो भाई कितने लोगों ने ऐसे ही लिखा था? बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू सेम कितने लोग ने लिखा था? वेरी गुड निरंजन, वेरी गुड। ऑक्सीजन का लिख के दिखाओ, ऑक्सीजन का लिख के दिखाओ मुझे। एक्चुअली ये सफेद से तुम लिखवा तो रहे हो, लेकिन जब इसका पीडीएफ बनेगा ना, कुछ दिखेगा नहीं उसमें, समझ रहे हो कि नहीं? ये पीडीएफ ब्लैक में नहीं बनता है मेरे में, नोट्स में। पहले बनता था, ये अपडेटेड में आता नहीं है, इसलिए तो हम इससे लिखते हैं। चलो इससे कुछ तो दिखेगा, थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है? ठीक है, यही एक कलर है जो तुम्हें दिखेगा एक्चुअल में, दोनों पे दिखेगा ये थोड़ा बहुत। ऑक्सीजन में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे फिल करोगे इसको? मोर देन 12 वाला आएगा, बताओ अब क्या आएगा इसके आगे? सिग्मा 2PZ आएगा। सिग्मा 2PZ। फिर क्या आएगा? पाई वाला आएगा। इसके बाद में क्या आएगा बोलो? पाई स्टार 2PX इक्वल टू पाई स्टार 2P। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं गिन के बताओ? देखो 8 तो यहां तक होते हैं, 2 10, 2 12 और 2 14, 14 हो चुके हैं। कितने और चाहिए हमको? हाउ मेनी रिमेनिंग? दो रिमेनिंग ना, दो कहाँ पे जाएंगे? इसमें दोनों जाएंगे क्या, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, 900 11 जाएंगे। तो हंट रूल लगाना है यहाँ पे, डिजनरेट है ना ये, तो डिजनरेट वालों को कभी कभी, कभी क्या, हमेशा ही ऐसे ब्रैकेट में भी लिखते हैं, एक एक चला जाएगा। बताओ कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 16। बताओ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 और 2? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक ऑक्सीजन गैस? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है दो, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, तो पैरा है कि डाया है? इट्स अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, इसीलिए तो हमने एमओटी पढ़ा था, इसको प्रूव करना था ना। प्रूव हो गया, यहीं से तो प्रूव हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ कि इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग वाले में रहते हैं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्स्ट्रा आए हुए हैं, इसलिए नाइट्रोजन की रेस्पेक्टिव ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी की बात भी अभी करने वाले हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताऊंगा मैं, पहले इसको नोट कर लो दोनों को। पहले ये जो यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो मटेरियल है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें पाई 2P(x) और पाई 2PY पहले भरा है, इसमें सिग्मा 2PZ पहले भरा है, इतना डिफरेंस है बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एनर्जी जो है गैप जो एनर्जी में, वो इतना कम था कि पाई 2PX पाई 2PY वाले की एनर्जी जो है वो क्या हो गई, कम, और सिग्मा 2PZ वाले की एनर्जी हो गई ज्यादा। आगे बढ़ा दें, बोलो एनीवन जिसका छूटा है, बोलो जल्दी बोलो।
ओके गुड। अब बात करते हैं आगे इसकी, ठीक है? इसके आगे जो बात होगी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीजें जो है सुनो, यस, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, क्या है फॉर्मूला बताओ? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि नॉन स्टार वाले में गए हैं, टोटल नंबर, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टू। अभी बीच में कुछ पूछ रहा है कोई बच्चा, अच्छा उसको फॉर्मूला पता है, वेरी गुड। तो एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई टू, वन फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? तो एन बी क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एन ए क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको ना पूछ देना, ये ऊपर नीचे लिखा है, बस देख लो किसका क्या है। एन बी मतलब, बी मतलब बॉन्डिंग, एन मतलब नंबर, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, एन मतलब नंबर, सिंपल है ना? अब देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी कब, जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। ये तो तुम्हें बहुत दिन से पता है, पहले से पता है, बीबीटी में भी ऐसा होता था। स्टेबिलिटी जो मैं लिखता हूँ वो लिखता नहीं है क्या, इस पर स्टेबिलिटी लिखा है मैंने, ठीक है? वो बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। गॉट इट? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया सेम, तो हम किससे देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसमें क्या है, कम है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अनस्टेबिलिटी कराते हैं, बिकॉज जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो जितने कम होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये पॉइंट याद रखना है। फिर याद करेंगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो या पॉजिटिव पहले कर देते हैं, देन जो स्पेसीज होगा मॉलिक्यूल या आयन डायटोमिक विल एग्जिस्ट, कोई भी होगा वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा जीरो है या नेगेटिव, मतलब उनके बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है, देन स्पेसीज विल नॉट एग्जिस्ट। है कोई दिक्कत बताओ तो बोलो मुझे, क्या याद रख पाओगे इतना सामान, इतना कंटेंट? ये ऊपर का लिखा है, अरे जल्दी बोलो, क्वेश्चन भी तो कराने हैं ना इस पे, यस याद रख लोगे ना? यस, वेरी गुड वेरी गुड। देवांगी तुम्हें समझ में आ रहा है? यस ओके ओके। दीपेंद्र सीवुड तुम आए नहीं एक बार भी मिलने, मैं तो आता रहता हूँ सीवुड में, आज भी आया था। रिमझिम तुम्हें समझ आ रहा है? रितिशा, रिया, शांतनु, समृद्धि, इतने सारे बच्चे हैं, आंसर नहीं आते इनके। लेकिन श्रावणी, श्रुति, श्रुति तुम्हें समझ में आ रहा है? यस ओके यस गुड गुड। सुरम्या, तिथि, इसमें तो बच्चे जो है जुलाई बैच के भी हैं, जो वो भी आ गए हैं तब से, लेकिन उनका रिस्पॉन्स, जुलाई बैच का कौन कौन है, हैंडरेज करो मैं भूल गया हूँ, मुझे याद दिलाओ थोड़ा सा। चिन्मयी थॉमस, तुम तो इस पुरानी बैच में थे क्या? ओके, दो लोग ने हाथ उठाया है, इशिता ने भी हाथ उठाया है। ओके ओके, तिथि ने उठाया था फिर हटा दिया, मतलब तुम हो इसका मतलब। ओके बस तो तीन चार हैं, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है ओके ठीक है, देख लिया।
चलो ठीक है। तो अच्छा मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा जीरो या नेगेटिव आता है, मतलब बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर आधा बॉन्ड भी किसी के बीच फॉर्म हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आधा बॉन्ड को भी हम लोग कंसिडर करते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर बॉन्ड जीरो है या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है, इसका मतलब वो स्पीसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इमेजिनरी है। तो अब हम लोग पहले लिखते हैं, हम लोग क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। देखो पहला जो टाइप का क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें तीन चीज पूछूंगा मैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तीसरा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है H2, क्या बताना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर लिखना होगा एंड बताना होगा एग्जिस्ट करेगा या नॉट एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा। बॉन्ड ऑर्डर वन, वेरी गुड अखिलेश, अखिलेश तो करेक्ट बता रहा है बिल्कुल। बाकी लोग थोड़ा तो आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, होना नहीं चाहिए, बहुत आसान है। देखो जितना तुमने ऊपर पढ़ा है वो ग्रामर थी, जी, क्या नाम है इसका, एमओटी, हाँ एमओटी की ये ग्रामर थी। तो ग्रामर किसी भी चीज की थोड़ी सी होती है टफ, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज जब यूज करते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत ज्यादा है नहीं, अपना काम चलता है सबका। वैसे ही यहाँ पे भी है, ग्रामर आएगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कॉन्फिडेंस तुमको रहेगा बहुत अच्छा, एक बात तो ये होती है। दूसरी क्या है कि प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे तुम सामने बोलते हो सीधे सीधे। तो यहाँ तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे इन दो फॉर्मूले की, 14 से कम 14 से ज्यादा, तो बहुत आसानी से आंसर दे पाओगे। अब जैसे हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये 2 तो 14 से कम होता है, इसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 तक तो चेंज होता नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखना है कौन सा है कैसा, इससे मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने उससे लिखना है। तो लिखना है σ1s2। अब देखा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो 2 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 0। तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों अपना आने वाला है 2 - 0/2 = 1, 1 ही तो आएगा, 1 आंसर है इसका। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, मतलब एक बॉन्ड अच्छा खासा वाला इसके अंदर मिलता है। यस वेरी गुड, बॉन्ड ऑर्डर है 1, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के अंदर मॉलिक्यूल में होता है। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, वैसे भी बच्चों को नॉर्मली पता ही रहता है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, नॉट अ प्रॉब्लम। इसको नोट करें, देखें किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये बॉक्स नंबर 1। दूसरा स्टेप है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, उसके लिए ये छोटा सा एक छोटा वाला बॉक्स जरूरत पड़ता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो थोड़ा फास्ट हो जाओगे तुम तो यहीं से निकाल दोगे कि 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, उसका हाफ कर दिया 1 आया, और ये फाइनली एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, अरे आराम से बोलो। नोट किया था, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट करवाया था ऊपर, नोट किया था। चलो दूसरा क्वेश्चन है H2+ एग्जिस्ट और नॉट। तो अब कॉन्फ़िगरेशन तो तुम अपने आप लिखोगे, बिना उसके तो बता नहीं पाओगे, सीधी बात है। नंबर 3 है H2- एग्जिस्ट और नॉट, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो सवाल दे दिए तुमको नए नए, अभी बिल्कुल ताजे ताजे, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट।
हाफ ओके, हाफ हाफ सबका आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब हाफ हाफ आ रहा है, चलो अच्छी बात है। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन देखो, दो इलेक्ट्रॉन तो हैं, एक चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, वन इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा वन एस वन, तो बाउंड्री कितना आएगा, 1/2, 0.5, 1/2 दैट इज हाफ। सो नाउ एच टू माइनस में देखें बच्चों, सिग्मा वन एस टू तो फील्ड है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी तो है, सिग्मा इटा स्टार वन एस वन, सो बाउंड्री कितना आएगा बच्चों, 2 - 1/2, भाई नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 है, अब 1 है, तो 1/2 कितना होगा गाइस, 0.5। अब बताओ दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब बताओ H2 H2+ H2- अरेंज इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ये नीट में पूछा जा चुका है 5-6 बार और जेई मेंस में पूछा जा चुका है 6-7 बार, हर साल आता है ये एक बार, बहुत सारे एग्जाम होने लगे ना आजकल, उसमें एक ना एक में होता है ये, कई कई बार तो मैंने देखा 3-4 पेपर में होता है। सो बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है स्टेबिलिटी के, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा ज्यादा अपना, जो मैंने लिखाया ऊपर उसमें आंसर छुपा हुआ है, पॉइंट्स लिखा है ना अभी थोड़ी देर पहले, ये कॉमा भी लगा हुआ है एक, या ऐसे भी लगा सकते हैं सेमी कॉलन टाइप का। बोलो भाई, आंसर आ चुके हैं, H2 max H2- least, क्या क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया, तो वो अपने आप से H2+ बीच में हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हो ना देवांगी। ओके, अखिलेश ने लिख के दे दिया है काफी अच्छे तरीके से, निरंजन ने भी काफी अच्छे तरीके से लिख के दिया है, बहुत अच्छी बात है, अखिलेश ने पहले गलत दिया था, आप सही दे दिया है, यस अखिलेश ऐसा ही है क्या कि वो निशान गलत लगा दिया था, ओके निशान गलत लगा दिया था, ठीक है समझ गया, साइन साइन, यस यस ओके ओके ओके। और बाकी लोग दो आंसर भाई क्यों नहीं दे रहे हो आंसर, मतलब मैं अच्छा खासा तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, यू हैव टू डू, बिकॉज अभी नहीं करोगे तो बाद में भी होगा नहीं एक्चुअल में, क्योंकि ये क्लासरूम स्टडी वाला चीज है, इसमें कुछ ऐसा थोड़ा ना है कि क्लास जाकर, मैथमेटिक्स नहीं है ये कि सॉल्व करके कुछ करना है इसमें,
ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, बदलेगा नहीं है। तो प्लीज जल्दी से मुझे बताइए आंसर आया कि नहीं। यस खुशी, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ खुशी ने तो करेक्ट दिया था, वो तुमने तो पहले ही पढ़ लिया ना। मैंने रश्मि, यस वेरी गुड रश्मि, नहीं तुम्हारा मैं पढ़ लिया था, ठीक है नो प्रॉब्लम। देखो इधर देखो, सबसे पहला तरीका है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। यस वी हैव द बॉन्ड ऑर्डर्स, बॉन्ड ऑर्डर है इसके अंदर 1। यस वी हैव द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर है इसके अंदर 0.5। यस वी हैव द बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर है 0.5, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, इसका है सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 नहीं सिग्मा 1s1 सॉरी गाइस, इसका है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बताओ इसमें सबसे स्टेबल तो ये होगा बॉन्ड ऑर्डर की वजह से। इन दोनों में विच वन इज स्टेबल एंड व्हाई, कौन बताएगा? सर H2+ ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज़ उसके पास एंटी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, ओके और H2- के पास 1 है। वेरी गुड, और बताओ। बहुत अच्छे, और सर बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना अगर डिक्रीज करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यस वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब तुमने ये बोला है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, ऐसा ना? यस सर, ये ना, तो सबसे स्टेबल होगा H2 क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ही ज्यादा है। H2 प्लस और H2 माइनस में H2 प्लस होगा क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या कम है, और H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एक है जो कि 0 से ज्यादा है। ये है स्टेबिलिटी बॉन्ड, कर लोगे एग्जाम के अंदर आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, पूछना है तो पूछ सकता है। H2 का काम खत्म कर दिया, H2 के बाद क्या आता है? हीलियम। बोलो Hg2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? तीन इलेक्ट्रॉन देख लिया, चार इलेक्ट्रॉन पे देखना है। बाउंड ऑर्डर बताओ एग्जिस्ट करता कि नहीं बताओ। चलो ट्राई टू गिव द आंसर्स। Hg2+ बताओ, Hg2- बताओ, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ H2, H2+, H2-, H2 नहीं He2, सॉरी गाइस, H2 हो गया, He2 जीरो। यस अखिलेश वेरी गुड, हाफ हाफ नहीं जीरो, He2 एग्जिस्ट नहीं करता। यस वेरी गुड, He2 एग्जिस्ट नहीं करता, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट, क्या दिक्कत है? हीलियम डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाता? सब बोलते हैं मोनोटॉमिक मोनोटॉमिक इनर्ट गैस, बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर है 0। और ये एमओटी ने प्रूव कर दिया, कितनी अच्छी बात है। एमओटी ने प्रूव किया इनर्ट गैसेस क्यों नहीं डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो तुम्हारे मैथमेटिकली मतलब एक लिख के समझ में आ रहा है। हाउ डू वी नो? हाँ सही बात है खुशी, कैसे हम पता करेंगे? तो एक तो है कि हमें पता ही है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो तो हमने नेचर में देखा है, बट MOT एक थ्योरी बनाई गई, अब उससे देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है दैट मींस एग्जिस्ट नहीं करता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है कि वो एग्जिस्ट बॉन्ड उनके बीच नहीं बनता है। तो He2, हां ओके गॉट इट, गुड। He2 का मतलब है हीलियम हीलियम से जुड़ नहीं पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, इट विल नॉट कनेक्ट विद ईच अदर लाइक विद केमिकल बॉन्ड। वो आपस में कनेक्ट होते हैं हल्के फुल्के फोर्सेस से,
उनको बोलते हैं वॉन डेर वॉल फोर्सेस, वो आगे पढ़ाएंगे सबसे आखिर में। सुनाओ जल्दी जल्दी आंसर करते रहो। अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है इसमें? तो Hg2+ में हम इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें चार इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं सारा लिखता हूँ, अब समझना जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। काफी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ये, छोटा बड़ा हो गया ना। फोर इलेक्ट्रॉन है तो लिख चुका हूँ। आएगा σ1s2, σ*1s2। ये तो फुस हो गया, क्यों? ये बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं? ये काट भी सकते हो, देखो अगर दो स्टार के और दो नॉन स्टार मिल जाए तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? जीरो है ना, दो स्टार और दो नॉन स्टार तो वो कट के जीरो हो जाएगा। Hg2+ में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। σ1s2 और स्टार वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, σ*1s1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 - 1/2, 0.5। Hg2- में कितना आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4+1, 5 इलेक्ट्रॉन। σ-2, σ*1s2, σ2s1, इसका बाउंड्री भी कितना आएगा? हाफ, 0.5। आराम से करके देखो, कहीं पे डाउट है तो बताओ। देखो 2 + 1 3 - 2, दैट इज 1/2। ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, बट इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, ये ज्यादा अनस्टेबल है। ये कब देखते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी? Hg2 की ज्यादा आएगी, देन Hg+, Hg2+ की आएगी, देन Hg2- की आएगी। याद कर पाओगे? याद रख पाओगे? ओके वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा Hg2 को मैंने उल्टा कर दिया क्या? ये तो बेचारा है, इसको सबसे पीछे रखना है ना, ऐसा? भाई इसका तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो है ना, ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। Hg2, Hg+2 एग्जिस्ट करता है और Hg2- भी एग्जिस्ट करता है, बट Hg+2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वन। वन और इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टू। पूरा ही लिख देता हूँ, चलो नो कंफ्यूजन। ठीक है, देखो
इसको डाउट है बताओ, अरे बताओ सीधे, मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। यस डन, आगे चलें, आगे चलें। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। हीलियम के बाद क्या आता है बच्चों, लिथियम, Li2 प्लस, Li2 माइनस, चौथा है Be2 प्लस, Be2 माइनस। चार चार दो बार हो गया, क्यों हो रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए, इतना टाइम नहीं है, क्लास खत्म हो जाएगी। मैं तो ये बोल रहा हूं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके यस यस, मैं सबके आंसर पे नजर रख रहा हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। तुम्हें बस आंसर देते जाना है, मैच करा दूंगा। पता नहीं हो रहा है, ओके ओके। ओहो Li2, ओके छोटा छोटा लिख रहा हूँ, छोटा छोटा, समझ जाना। इसका Li2 का आएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन Li2, बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन्स, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो दो चार, बॉन्डिंग के -2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, फॉर्मूला लगाया होगा, 1 आएगा। Li2+ में कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वाले में वैसे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आता है। Li2- में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो फिर से हाफ हो जाएगा, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s1। देखिए ये तो इससे कट गया, दो के दो, दो दो स्टार, दो नॉन स्टार तो कट गए,
दो नॉर्मल एक स्टार, तो बाउंड्री कितना आएगा? हाफ। दिख नहीं रहा होगा बच्चों तुमको ना, छोटा है बहुत क्या? थोड़ा तो बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे अच्छे से। Li2- का दिख रहा है, देखो नोट करना है। ओके आंसर तो सही है, हाँ ठीक ही ठाक है। Be2 का बाउंड्री कितना आया? जीरो ना, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। काट दो इसे, इसे काट दो, दो दो काट दो, जीरो आएगा। बी टू प्लस में 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी निकाला 7 इलेक्ट्रॉन पे कितना आता है लिख लो। चलो अगर प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, 2s1 जो वन है, वन तो ये इसे कट गया, दो में से एक गया, एक एक बटे दो 0.5, 1/2 कितना होता है 0.5। बी टू माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 तो पहले से थे, 9 इलेक्ट्रॉन। बहुत बड़ी बात है ये तो, क्योंकि अब खेल शुरू होने वाला है किसका, ऑर्डर का। बताओ इसके बाद क्या आएगा, कौन बताएगा? सुरम्या तुम बताओगी सिग्मा स्टार 2s2 के बाद क्या आना चाहिए? यस इफ यू वांट टू से प्लीज। मैं बताऊं क्या? यस अखिलेश करेक्ट है। क्या जरूरी है पाई 2px ही आए? क्या पाई 2pi नहीं आ सकता? बच्चों पाई 2pi क्यों नहीं आ सकता, उसमें क्या कमी है? तो तुम बोलोगे सर आ सकता है, कोई कमी नहीं है। यार नहीं खुशी, ऐसा नहीं है। अभी आगे चलेंगे तो बाउंड ऑर्डर 2.5 भी होता है, 1.5 भी होता है, सारे होते हैं बाउंड ऑर्डर्स, है ना। तो डिजेनरेट का तो काम ही डिजेनरेट वालों से फर्क पड़ जाएगा। या भाई यस यस देवांगी करेक्ट। तो हम इसमें भी बच्चे डाल सकते हैं सुरम्या देखो, और इसमें भी हम डाल सकते थे। या तो यहाँ 1 0 होगा, मतलब ये खाली है इसमें भरा है, किसी में भी डालोगे, या तो 2px1 या 2py1। बाउंड ऑर्डर कितना आएगा? सॉरी गाइस बाउंड ऑर्डर कितना आएगा बताओ। काट दे रहा हूँ, काट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होती काटने से, नॉट प्रॉब्लम। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर फॉर्मूले से करना है, तो कोई बात नहीं कर लो। बॉन्डिंग के गिनो कितने आएंगे? दो दो चार और पांच, पांच आए। माइनस दो दो चार, चार, 5 - 4 कितना होता है? आधा होता तो एक है, लेकिन हाफ भी तो है। तुम ये छोटा सा दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। अरे इसमें दो बच्चे चले गए, अभी तो छुट्टी नहीं हुई है। ये सुरम्या तुम्हारा आंसर करेक्ट था एक्चुअली, देखो 0 भी तुम्हारा सही था और तुमने ट्राई अच्छा किया, वेरी गुड। Li तक तुमने बताया था बस, बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो बच्चे आंसर रोज देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं देते आंसर, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो सबको आंसर देना है, कमेंट करके दे सकते हो, माइक्रोफोन से दे सकते हो। 0 0 0 0 यस 0 वाला है, B2 है 0। यस डाउट बताओ देवांगी, डाउट क्या है, व्हाट इज द डाउट? सर, हाँ सर, एक मॉलिक्यूल पे अगर सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तभी दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। लगभग हर बार सेम ही आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पीछे घटाओगे या आगे बढ़ाओगे तो ऐसा होता है, बट कई जगह ऐसा नहीं भी होगा, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। ऐसा कोई ट्रेंड इसमें इतना बड़ा है नहीं, जो ट्रेंड होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर,
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलें फिर। अभी और क्लास है क्या? नो सर, तो देवांगी तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना कि वो पॉसिबल हो यस सकता है, सर। बट वो सिंपल है, हमें लिख के देखना होगा, आता है तो हाँ, नहीं आता है तो ना, ऐसा है। बट मैं मैक्सिमम केस में वो सेम आएगा, N2+N2-, कहीं भी देखते हैं हम तो वो सेम ही आता है। दिस इज द कंसेप्ट। ओके सर। और कुछ बोलो, कोई डाउट? तो कुछ एग्जाम वगैरह है क्या मेडिकल का? कब है एग्जाम? संडे को है इस। अच्छा, उसमें क्या क्या सिलेबस दिया है? मैंने दिया है कुछ सिलेबस? सो केमिकल बॉन्डिंग का जब तक का हुआ है तब तक का आएगा, ऐसा बोला है, तो अभी कभी तक का आएगा। नहीं, ये एमओटी नहीं आएगा, कहाँ तक दो तुम लोग बताओ। अभी पेपर नहीं बनाया था मैंने। बोलो, डाइपोल मोमेंट तक दे दूँ? डाइपोल मोमेंट तक प्रैक्टिस कर ली है? हाँ, प्रैक्टिस के लिए है ना तुम्हारे पास बुकलेट? प्रैक्टिस के लिए बुकलेट भी है, प्रैक्टिस के लिए तो क्या कहते हैं, बोलो, मेडिकल बैच हो ना तुम लोग, किसी ने भेजा तो है मुझे। सही बात है, मेडिकल एक मिनट, 11th मेडिकल ने मुझे डायरेक्टली भेजा था, सेंड किया था मीन्स। हाँ, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करो। डायपोल मोमेंट तक देता हूँ मैं, ठीक है? डायपोल मोमेंट तक ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर अभी टेस्ट नहीं हुआ तो भूल जाओगे, जितनी जल्दी टेस्ट हो जाए उतना अच्छा रहता है एक्चुअली। ये तुम्हें अभी तक समझ जाना चाहिए, है ना? जिस टॉपिक का टेस्ट होगा वो सबसे अच्छे से तुमको आता होगा, तो टेस्ट जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। और बाद में आप जब भी चैप्टर खत्म हो तो TWT भी लीजिए ना। हाँ, TWT भी लेते हैं, ठीक है? अभी TWT तुम्हारा रखते हैं, ये वाला एग्जाम हो जाए फिर रखते हैं, ठीक है? पहले ये वाला दे लो एग्जाम, उसके बाद हाँ सिंगल सर। बॉन्ड TWT रखेंगे। तो ये पार्ट टेस्ट है ना जो भी होने जा रहा है? हाँ सर। ओके ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय एवरीवन। मैं नोट्स भी डालता हूँ, एक मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है? उसमें सब नोट्स मिलेंगे जो अभी होंगे, पुराने वाले तो मेरे पास है, कभी मुझे टाइम मिलेगा बहुत ज्यादा खाली तो मैं सारे पुराने के भी नोट्स बना के उसमें डाल दूंगा, है ना? है, सब नोट्स में है, PDF नहीं है, वन नोट में। चलो बाय।